एक तरफ तो दिल्ली सरकार श्रवण कुमार बनते जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का बुराड़ी क्षेत्र नरक बनते जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इलाके के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिर में नालों का गंदा बदबूदार पानी भरा हुआ है। सावन के महीने में मंदिर के अंदर पानी भरने से पूजा करने में भी श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बीच ईंटों का पुल बनाकर मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे ये छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बुराड़ी इलाके के चंदन विहार राधा कृष्ण मंदिर में हैं। यहाँ लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग आखिरकार मंदिर के अंदर ही दिल्ली सरकार और फ्लड विभाग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगा रही है। लोग इसलिए परेशान हैं कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि लोग सावन के पावन महीने में मंदिर के अंदर पूजा करने तक नहीं जा पा रहे। राधा कृष्ण मंदिर इलाके का सबसे पुराना मंदिर है और सावन के महीने में यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हर कोई पूजा अर्चना करने के लिए आता है। लेकिन इलाके में मानसून के समय फ्लड विभाग के नाले का निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण नाले की निकासी को रोक दिया गया और ये हालात उसी के देन है। मंदिर में नाले का गंदा बदबूदार पानी भर चुका है। लोग किसी तरीके से इन ईंटों का पुल बनाकर पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई महिलाएं इस तरीके से मंदिर जाते हुए गिर चुकी हैं और बच्चों को भी चोटें आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदल रहे। लोगों का कहना है कि अगर नाले के निर्माण का कार्य होना था तो मानसून के समय सावन के महीने में ही क्यों किया गया। हर कोई यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द मंदिर के अंदर इस जमा पानी को हटाया जाए। इस इलाके का ये पंडित श्री राधा कृष्ण पंडित चंदन विहार वेस्ट संत नगर दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है ये, और इस मंदिर ये मंदिर जो है हमारा श्री राधा कृष्ण मंदिर इलाके का सबसे बहुत बड़ा माना जाना पंडित धर्म और हिंदुओं का जो है धर्म स्थल है। पर आज यहाँ पर जो है चार पांच दिनों से ऐसी हालत हो गई है कि जो मंदिर में कल से सावन लगा है और जो है सावन में सोमवार को कम से कम 200-250 जो है श्रद्धालु सुबह शाम दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। लेकिन ऐसा हो चुका है कि इस समय जो है फ्लड का जो नाला है उस नाले की जो है खुदाई होने के कारण से जो है यहाँ के जो है दिल्ली सरकार के जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस इलाके के नाले का जो पानी बाहर भेजने के बजाय निकालने के बजाय रोक दिया गया है। हाँ। ठीक है, इस कारण से जो है मंदिर में हमारे जो है श्री राधा कृष्ण मंदिर में सारे कॉलोनी का जो है पानी वाला जो है बैक मार के सारा पानी हमारे मंदिर में घुस रहा है। हाँ। एक हफ्ते से हम झाड़ू मार मार के सफाई कर करके जो जो पानी टुल्लू पंप से बाहर निकाल के मोटर लगा करके, लेकिन किसी भी कीमत पे ये जो है मंदिर का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। इतना परेशान है 24 घंटे, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है। किसी भी कीमत में जो है ये हमारी समस्या का जो सुझाव और हल हमें इमीडिएटली देना। तो भक्त आते हैं किस तरीके से अंदर आना पड़ रहा है उनको? तो इस तरीके से आते हैं बेचारे, कई बार तो जो है भक्त जो है सुबह सुबह 5 बजे हमारे मंदिर खुलने का टाइम है और दोपहर में 1 बजे जो है मंदिर बंद होने का टाइम है। जो है 5 बजे सुबह मंदिर में अंधेरा सा थोड़ा सा जो रहता है, कई औरतें आज सुबह आई हैं बेचारी गिर गई हैं। पिछले एक हफ्ते से मंदिर में नाले का गंदा बदबूदार पानी जमा हो चुका है। मंदिर में नाले का पानी जमा होने से लोग पूजा करने के लिए नहीं आ पा रहे। पुजारी का कहना है कि यहाँ हर रोज 200 से 300 लोग आते थे, लेकिन इसी कारण कई महिलाएं बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस चली जाती हैं। साथ ही मंदिर में रह रहे पुजारी और उनके परिवार को बीमारियों ने घेरा हुआ है। मच्छर इस कदर फैल चुके हैं कि बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन इलाके में इन लोगों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। चंदन विहार का मेन मंदिर है, यहाँ जितने भी कॉलोनियां आस पास सबसे बड़ा मंदिर यही है। हाँ। और यहाँ इतनी गंद है, इतनी गंद है कि आने जाने वाले भी मुंह पे हाथ रखे हैं जा रहे हैं, मंदिर में कोई जाने रहा है बदबू के मारे। ये लेटरिन का पानी है, सब शिविर का पानी टोटल यहाँ आ रहा है। हाँ। और ये इतना गंदा पानी है कि यहाँ खड़े भी हम नहीं हो सकते, इतनी बदबू इसके अंदर है। अब बुराड़ी इलाके के लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है अगर जनप्रतिनिधि इनके पास वोट मांगने आए तो इस परेशानी का बदला लिया जाएगा, और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर इनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन बारिशों में शुरू हुआ यह काम इतनी जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। अवधेश कुमार के संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।